हेयर स्टाइलिंग के हवाले से आजकल हमारा शो जो है वो ऑन है, यानी कि रिजा का शो ऑन है। सिंगार विद रिजा में आपका हमारा साथ है हमेशा की तरह। आज जो है वो कटिंग तो होगी, स्टाइलिंग भी होगी, लेकिन आज जो डिफरेंस आप देखेंगे आज बच्चों की स्टाइलिंग और कटिंग के ऊपर बात होगी। रिजा से मिलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। से मिलना अच्छा लगता है, लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। आइए रिजा से मैं तो पिछले आज बड़ा जबरदस्त सा प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है बच्चों के हवाले से। हाँ रिजा, वालेकुम अस्सलाम। आज सोचा कि बड़ों को तो हम लोग इतना फोकस करते हैं, तो आज बच्चों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। आज हमने दो बच्चों को बुलाया है और उसमें हम एक की कटिंग करेंगे और एक की हम स्टाइलिंग करेंगे। तो हमने देखा कपड़ों के हिसाब से करेंगे। एक बच्ची हमारे पास जो है वो कट के लिए आई है और दूसरी बच्ची को मैंने जो है वो मुझे नज़र आ रही है, आप ही देख रहे हैं, वाइट बियरिंग में है, तो उसके हिसाब से कुछ स्टाइल बनाएंगे। सही, तो भाई पहले हम कटिंग की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम स्टाइलिंग की तरफ चलेंगे। तो आप कीजिए इस वीडियो को एंजॉय और हम अपने करते हैं वर्किंग स्टार्ट। चलता हमारे पास हमारी मॉडल बहुत प्यारी सी मॉडल है, देखिए नन्ही मनी सी मॉडल है। इस दफ़ा हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, बच्चों के हवाले से कर रहे हैं। हम आपको आज कटिंग दिखाएंगे और ठीक है, उसके बाद मैं आपके बालों में क्लिप्स लगाऊंगी प्यारे प्यारे, ठीक है। ये देखिए आप इतनी प्यारी सी तो हो, आपने तो मुझे बिल्कुल, आपने पता क्या कटिंग बड़े आराम से करवानी है, बिल्कुल ऐसे शीशे में देखिए, ठीक है। अगर आप मिरर में देखते रहेंगे तो फिर मैं अच्छी कटिंग करूँगी ना। ये देखें, आप उधर ना देखें, किसी को भी ना देखें, सिर्फ देखें मुझे आंटी को और अपने आप को देखें, ठीक है। हम दोनों क्या है, मॉडल, ठीक है। मैं आपका काम कर रही हूँ और आप मेरी मॉडल हैं इस बार, ठीक है ना। ये देखिए मैं आप कितनी प्यारी कटिंग करूँगी, आप भी कहेंगे हाँ मैं कितनी प्यारी। हाँ ये देखिए करेंगे इस तरह प्यारे प्यारे से। बस अब बिल्कुल आप स्टार्ट हल्का सा यूँ देखिए, नीचे देखें यस। अब आपने मूव नहीं करना, अच्छा तो क्लिप मेरे काम के हैं, फिर मैं क्या करूँगी सारा दिन, कैसे कटिंग करूँगी। हाँ मेरा क्लिप ले लेंगे, मैं आपके क्लिप ले लूँगी। अच्छा चले देखती हूँ, आपको कुछ क्लिप निकाल के देखती हूँ। मेरे मर्जी का क्लिप है, एक डार्क क्लिप, एक लाइट क्लिप और येलो शेप है और डार्क और ग्रीन शेप है और ब्लू शेप है। इतने सारे क्लिप्स हैं आपके पास, मल्टी कलर्स के हैं, तो बहुत बढ़िया। आपका मैं प्यारा सा कट दूँ ना अच्छे से। अब मैं आपको चेंज करना चाह रही हूँ, आपको चेंज करूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको चेंज करूँगी, आप इतनी क्यूट लगेंगी। बस क्यूट नहीं बनना, मुझे प्यारी बनना। प्यारी बनना, ओहो ब्यूटीफुल ना, खूबसूरत बनना है, ठीक है। अच्छा क्यूट नहीं बनना, प्यारी बनना है। सही है, मैं आपको प्यारी बना दूंगी, ये देखिएगा। बस ये देखिए कलर करना है। ओहो आपको कलर का कहाँ से शौक हो गया बेटा? मुझे मल्टी कलर करना है। कलर भी करके दिखाएंगे, ठीक है। मेरा फेवरेट है वायलेट। वायलेट कलर, ओ फिर तो मैं आपको वायलेट कलर हमें चाहिए ना, हम आपके आपकी यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अच्छा भाई हमने आपकी कटिंग कर ली, अब हम आपके बालों में करेंगे सेटिंग, ब्लो ड्राई, फिर आप देखिएगा कितनी प्यारी सी लग रही है, सही है। ये मसलसर कटिंग के दौरान एक ही बात कह रही थी कि मेरे बालों में कलर कर दें, तो
तो मैं इस वक्त जो हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं इनकी जरा सी ख्वाहिश पूरी करूँ, ठीक है। तो एक मेरे पास ये बड़ा थोड़े से चंक्स बने होते हैं बच्चों के लिहाज से, अगर आप ले लें तो ये आप लगा सकते हैं बच्चों के, ना जैसे बच्चों का शौक पूरा हो जाता है कि वो चाहते हैं कि कलर करना है, तो आप ये बहुत खूबसूरती से बेटा एक एक जैसा रखें। ओ अच्छा, तो मैं बहुत सारे मुझे लेके जाना है, मुझे अगर मेरे पास इतने सारे होते ना तो मैं आपको सारे दे देती, अभी थोड़ी सी ना। ये देखिए ऊपर देखिए, ये यूं करके आप हल्का सा ये देखिए, भाई इतनी अच्छी मैं देखी, हमारी मॉडल आज बहुत प्यार जी जनाब। इस वक्त हमने जो कटिंग करके दिखाई है ये बिल्कुल बहुत शौक था इन लोगों को कि कटिंग जो है थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ हो, तो मैंने ये थोड़ा सा कर दिया है। बच्चों में ये कटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, जो लोग ज़्यादा छोटे बाल नहीं रखना चाहते, जिनको शौक था कि मेरे बालों में पर्पल कलर कर दें, तो मेरे पास एक चंक थी जो मैंने यहाँ खूबसूरती से लगा दी है और उसका भी शौक पूरा हो गया। इस तरह बच्चे जब भी कहते हैं तो आप है ना बच्चों को इस तरह उनके शौक पूरे कर दिया करें। और इनका जो कोम ये देखिए, आप जब भी ब्रश होगा इनका इस तरह ब्रश होगा, और ये देखें आप मुस्करा के भी देखें, सबको बाय बाय कीजिए। आज हमें पूरे बच्चों का हमारा कॉन्सेप्ट है, अभी हमने एक कटिंग दिखाई, अब जो है हम एक स्टाइल बच्चों का दिखाएंगे कि बच्चों का स्टाइल वगैरह जो है कैसे बनाया जाता है। कुछ ग्रूमिंग के ऊपर होता है, अगर फर्ज कीजिए उन्होंने कोई लेक्सी वियर की है या कोई ईस्टर्न से ड्रेस पहना है, तो उसके लिहाज से हम उनके बाल बनाएंगे। अच्छा ये देखें, हमने इनके हाफ बाल करके पोनी बना ली, ठीक है। पहले हम उनका जो है वो फ्रंट बनाएंगे, हल्की सी मैं बैक कमिंग करूँगी, ये बच्चों की बैक कमिंग ज़रा वाइट करते हैं। ये हेयर बेस होता है, ये आप लगा दें। मैंने हेयर बेस लगा दिया ताकि इनके बाल थोड़े से सेटिंग में भी रहें, बच्चों की बैक कॉमिंग थोड़ा नहीं करते इसलिए बाल ख़राब हो जाते हैं, बहुत से बच्चे थोड़ा बर्दाश्त भी नहीं करते जब बैक कॉमिंग को खोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हम रोक रहे हैं, तो हम इस पोनी को थोड़ा सा कोई भी सपोर्ट बेस ले लेते हैं ताकि आपके बालों का स्टाइल अच्छा बन सके, ठीक है।
देखिए छोटे छोटे बाल अक्सर बच्चों के निकल आते हैं, बल्कि बड़ों के भी निकल आते हैं, तो उसको आप अच्छी तरह थोड़ा सा टाइट करके पिन लगा दें ताकि बुरे ना लगें। कोई ऐसे बाल अगर हों कि आप हल्के हल्के कर्ल्स बना सकते हैं, कुछ हो रहा है? अगर आपको कुछ होगा तो मुझे बता देना, ठीक है? देखा कि कितना अच्छा सा एक हेयरडू रिचा ने किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बच्चों के हिसाब से क्यूट सी बच्ची है, इसके ऊपर जुड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, और मुझे खास तौर पे ये फ्लावर्स लगाए हैं रिचा, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यूट से लगते हैं, हल्के फुल्के फ्लावर्स हैं, और दूसरी बात ये है कि मैंने एक बहुत हल्का फुल्का सा स्टाइल बताया। वैसे अमूमन ये हम स्टाइल बनाते हैं थोड़ा सा कर्ल्स वगैरह के साथ, देखिए क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, तो बाल भी इनके बहुत सिल्की थे, लेकिन मैंने एक छोटा सा मतलब ग्रूमिंग की है, क्योंकि वाइट मैक्सी पहनी हुई थी, उसके ऊपर ज़्यादातर इसी तरह के स्टाइल्स बहुत ज़्यादा बच्चे बनवाते हैं, तो हमने वही देखा। आपको बहुत अच्छा लगा था? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कर दिया कीजिए। चलिए यहाँ पर हमारा वीलॉग खत्म हो रहा है, शिगुप्ता को और रिचा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।